अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हकीम शाह नज़ीर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं तमाम व्यूवर्स जितने भी देख रहे हैं उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं जो आप लोग इतनी पज़ीराई देते हैं और इतना फॉलो करते हैं, और जितनी भी रेमेडीज़ मैंने बताई हैं उसका जो मुझे फीडबैक मिला है वो बहुत अच्छा मिला है, वो आप लोगों का रिस्पॉन्स है। और अक्सर लोग मुझसे जब मैं लाइव आता हूँ यूट्यूब पर तो मुझसे काफ़ी सवालात होते हैं, तो इसमें एक सवाल ऐसा आया था मेरे पास जो कि था कि पेट में मरोड़ बनते हैं और खाना खाते हैं फौरी तौर पर वॉशरूम चले जाते हैं, जब भी खाना खाते हैं अगर दिन में 3 बार खाना खाते हैं तो 3 बार वॉशरूम जा रहे होते हैं, तो इसमें ये होता है कि बाज़ लोगों को इसमें घबराहट भी फील होती है, वीकनेस भी फील होती है, और इसमें यह है कि बाज़ लोगों का पोटाशियम लेवल भी कम हो रहा होता है। अगर पोटाशियम लेवल कम हो रहा हो तो आप बनाना यानी केले का इस्तेमाल ज़्यादा करें, केला ज़्यादा खाया करें, और साथ में मैं एक छोटी सी रेमेडी बता रहा हूँ, ये आप अपने घर पे बैठ के बनाइए और इंशाल्लाह जो लोग भी इसे इस्तेमाल करते हैं मुझे बहुत सारी दुआएं देते हैं। तो आपको मैं ये मुख्तसर सी रेमेडी बता रहा हूँ, इसमें टोटली 2 चीज़ें हैं। और दोनों की अफादियत अपनी अपनी जगह बहुत अहम है। इसमें आपने लेना है ये साबुत इस्पगोल दाना भी इसे कहते हैं, ये इसका पाउडर है, साबुत इस्पगोल का पाउडर है, और इसका वजन आपने लेना है तकरीबन 50 ग्राम। और दूसरी चीज है हमारे पास ये मरोड़ फली, ये बिल्कुल मरोड़ होती है, इसमें देखें आप घूमती हुई है, पेच फली भी कहलाती है ये, और इसकी बहुत ज़्यादा अफादियत ये होती है कि अक्सर लोगों को पुरानी पेचिश की शिकायत रहती है, ये उसको भी ठीक करती है, आम डायरिया के लिए भी बहुत बेहतर है, उन लोगों के लिए भी बेहतर है जो बार बार वॉशरूम जाते हैं। तो इसका वज़न भी आपने लेना है 50 ग्राम इस्पगोल दाना और 50 ग्राम मरोड़ फली, इन दोनों को मिला लें, आप यूँ मिक्स कर लें, और इनको मिला के भी पाउडर बना सकते हैं, अलग अलग भी पाउडर आप ले सकते हैं, इस तरह पाउडर बनेगा ये। और इसकी आधी चाय वाली चम्मच हर खाने के बाद दिन में 3 बार जब भी खाना खाएं आप इस तरह कर लें, एक आधी चम्मच इसकी खा लें, तो आप देखिएगा ये पेट का निज़ाम आपका बेहतर होता जाएगा और आपको टोटली जो है वो जो स्टूल होगा वो दिन में 1 बार पास होगा, ये दिन में 3 बार या 4 बार जो पास होता है वो ऐसी चीज़ ख़त्म हो जाएगी और पेट में नॉर्मल हो जाएगा ये। तो इसके लिए ये है कि ये बहुत ज़्यादा गैसेस बन रही हों या पेट में मरोड़ आ रही हों, ये उनको भी ख़त्म करती है और स्टूल को नॉर्मल कर देती है। तो नाज़रीन ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अल्लाह पाक औलाद गम से महफूज रखे। इंशाल्लाह मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।